अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे विस्थापित प्रभावित ग्रामीणों पर रात में बरसी पुलिस की लाठी। इस लाठी चार्ज से धरना स्थल में मची भगदड़। झारखंड के रामगढ़ जिले के पतरातू में PBUNL के खिलाफ नौकरी, पुनर्वास और मुआवजा के लिए अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे करीब 25 गांव के ग्रामीणों को पुलिस ने हटाने के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन जब यह लोग नहीं माने तो पुलिस सख्ती बरतते हुए रात में बलपूर्वक इन्हें धरने से हटाया। इस दरमियान पुलिस ने आंदोलनकारियों के ऊपर लाठी भी बरसाया। इस लाठी चार्ज में धरने में आए ग्रामीणों के बीच भगदड़ सिमज गई और देखते ही देखते पूरा मैदान साफ हो गया। लोग इधर उधर भागने लगे। धरना स्थल पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। आप देखें इस पूरे नजारे को। तब तक आपको अवैध मान ठीक है, चलिए ठीक है, आप सुन लीजिए हम लोग के बात। क्या सुनेंगे आपको, क्या बात सुनेंगे? अच्छा हम बात सुनेंगे। गिरफ्तारी देंगे। दरअसल विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा ने PBUNL प्रबंधन भेल और उससे जुड़ी एजेंसियों के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर 2 सितंबर से ही अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। धरने के पूर्व ग्रामीणों ने शक्ति प्रदर्शन करते हुए सड़क पर जुलूस की शक्ल में नारेबाजी करते हुए धरना स्थल पर जाने का काम किया, जहां बड़ी तादाद में महिला पुरुष मौजूद हुए और इस धरने को संबोधित करने लगे। ग्रामीणों के अनुसार PTPS प्लांट का निर्माण 25 गांव के विस्थापितों की जमीन का जैसे तैसे अधिग्रहण करके किया गया था, लेकिन बहुत से लोगों को आज तक मुआवजा और नौकरी नहीं मिल पाई है। रही बात पुनर्वास की, तो इसकी भी व्यवस्था अब तक नहीं हो पाई है। इन्हीं मांगों को लेकर ग्रामीण बार बार प्रबंधन के लोग और सरकार के प्रतिनिधियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसी को लेकर इन लोगों के द्वारा आंदोलन किया जाता है। विरोधकर्ताओं ने पुलिस और प्रबंधन के प्रति अपनी नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अब जब हम अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो प्रबंधन ने पुलिस द्वारा सख्ती बरतते हुए लाठी चार्ज करवाया और हमें वहां से हटवाने का काम किया। आंदोलनकारियों ने कहा कि हम पुलिस के इस सख्ती से डरने वाले नहीं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए और भी पुरजोर आंदोलन करेंगे। आज प्रबंधन और प्रशासन मिलकर विस्थापित प्रभावितों के हक अधिकार के आंदोलन को कुचलने का प्रयास किया है और हमारे सभी साथियों को लाठी चार्ज करके जबरन पंडाल से हटाया गया है। इसका हम लोग घोर निंदा करते हैं और यह प्रबंधन का भूल है कि हमारा आंदोलन खत्म हो जाएगा, कुचल कर इसको ख़त्म कर दिया जाएगा, ये भूल है। हम लोग और इसको गोलबंद होकर जोरदार लड़ाई करेंगे। प्रबंधन और प्रशासन की इस साजिश का हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे। प्रशासन और प्रबंधन के गलत रवैये के खिलाफ हम लोग जोरदार आंदोलन करेंगे। यहाँ की जनता प्रशासन और प्रबंधन के इस लाठी चार्ज से घबराने वाली नहीं है। जब तक हक अधिकार नहीं मिलेगा तब तक हम लोग आंदोलन करेंगे। आगे रणनीति तय कर इसका जोरदार विरोध किया जाएगा और गोलबंद होकर अपने हक अधिकार के लिए आगे आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों की मुख्य मांगे हैं भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 के तहत मुआवजा का भुगतान किया जाए और उनके आश्रितों को PBUNL में अस्थायी नियोजन दिया जाए और विस्थापित और प्रभावितों के
पुनर्वास की व्यवस्था की जाए। विस्थापित प्रभावित ग्रामीणों के आंदोलन को बल पूर्वक पुलिसिया लाठी चार्ज के माध्यम से खत्म कराने के मामले पर जिला प्रशासन और पुलिस ने अपनी ही दलील पेश की है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 कोरोना काल में लोगों को एक जगह भीड़ जमा इकट्ठा नहीं करनी है, साथ ही धरना प्रदर्शन भी नहीं करना है। इन्हें बल पूर्वक लाठी चार्ज करके नहीं बल्कि आराम से बात विचार करके हटाया गया है। न्यूजीलैंड के लिए पतरातु से राहुल पाठक की रिपोर्ट। ऐसी कोई बात नहीं है, वो हटना नहीं चाह रहे थे, वो कोई लाठी चार्ज नहीं हुई है, उनको आराम से हटाया गया है। तो उनकी प्रबंधन PVNL प्रबंधन की बात है, और जो विस्थापित मोर्चा के जो सदस्य थे तो ये उनके बीच की बात है, कुछ बातों पे सहमति उनके द्वारा जताई गई थी, बट ये अपने और अन्य मांगों को भी लेकर जो है ज़्यादा उनपे दबाव डाल रहे थे। इन लोगों को समझा बुझा के हम लोग भीड़ को देखिए कि धरना प्रदर्शन अभी नहीं किया जा सकता है जब तक कि अगला आदेश नहीं आता है। वैसे जो कल से चालू है, कल से चालू था, वार्ता करने का कोशिश किया गया था प्रबंधन के द्वारा, वार्ता भी हुई, वार्ता सफल होने के बावजूद भी ये लोग इलीगल तरीका से जमाव किए हुए थे, इनको हटाने के लिए निषेधाज्ञा लागू किया गया। लॉकडाउन में जब रुक सी गई जिंदगी, तब रिश्तों की अहमियत थोड़ी और समझ में आई। क्यों ना इन रिश्तों को जरा और मजबूत करें, इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। अगर आपके किसी मित्र, रिश्तेदार या सहयोगी को पैसों की जरूरत हो तो उन्हें आज ही IIFL गोल्ड लोन के लिए रेफर करें और जिंदगी की नई इनिंग्स रीस्टार्ट करने में उनकी मदद करें। और साथ ही 5,000 से भी ज्यादा आकर्षक उपहार जैसे कि स्मार्ट LED TV, मिक्सर ग्राइंडर इत्यादि जीतने का मौका पाए। रेफर करने के लिए आज ही नजदीकी IIFL फाइनेंस ब्रांच से संपर्क करें। चलिए IIFL गोल्ड लोन के साथ रिश्तों की चमक जरा और बढ़ाएं। योजना 31 अक्टूबर 2020 तक, शर्तें लागू। IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन। न्यूजीलैंड्स चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड्स में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है